दोस्तों, आज एडी कोड को आइस गेट पे कैसे रजिस्टर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखिए, ये जैसे मैंने स्टेप्स लिख दिया यहाँ पे एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपके पास आइस गेट का लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन आप करेंगे, उसके बाद आपका जो एडी कोड सर्टिफिकेट जो बैंक से मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। दोनों को पीडीएफ फॉर्मेट में आप रखें अपने डेस्कटॉप पे। उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट को आपको साइन करना पड़ेगा। साइन करने का जो प्रोसेस है वो आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, और वो डीएससी के थ्रू ही होता है, आइस गेट पे ही होगा। और फिर उसके बाद आप साइन करने के बाद आप साइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप ई संचित पे जाएं, ई संचित पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। वहाँ पे आपको आईआरएन नंबर मिल जाएगा सबमिट होने के बाद। उसके बाद बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल में जाना पड़ता है आइस गेट में, और वहाँ पे आइस गेट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एडी कोड। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हम लोग देखेंगे आगे जा करके। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें कि साइन करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब जैसे देखिए, मैंने पहले विदाउट साइन डॉक्यूमेंट ऐड करने की कोशिश करी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में एरर आया। इसलिए आप साइन करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, डीएससी साइन करने के बाद। तो अब देखिए, चलिए मैं आपको डीएससी साइन कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो आप आइस गेट पे जाइए, और वहाँ पे डीएससी साइन का मॉड्यूल होता है, वहाँ पे क्लिक करिए, पीडीएफ फाइल साइनिंग में जाइए, और फिर आपको साइन करना है। और आप जैसे ही साइन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉड्यूल ओपन होगा, और डीएससी अपने जो है वो आप कंप्यूटर पे लगा दें। और फिर आप जब इसको रन करेंगे तो आपका डीएससी रेडी हो जाएगा साइन करने के लिए। तो उसके बाद आप क्या करें कि जो आपका पीडीएफ है उसको अपलोड करें। तो पीडीएफ जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो उसके बाद पीडीएफ साइन होके उसी फोल्डर में स्टोर होके रह जाएगा। तो ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंट साइन करने का वाया डीएससी। और एक चीज़ ध्यान रखें कि सेम डीएससी यूज़ होता है। अब ये जो साइन डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ई संचित पे अपलोड कर देंगे, तो ये साइन डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे अप्रूव होता है। अगर आप अनसाइन डॉक्यूमेंट डालेंगे तो आपने देखा जैसे कि रिजेक्ट हो गया था। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साइन डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। तो आप अपलोड करें, और आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको आईआरएन नंबर मिल जाएगा। तो वो आईआरएन नंबर आप सेव करके रखें, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट ज़्यादा टाइम तक स्टोर होके नहीं रहता है। उसके बाद जैसे ही आपको आईआरएन नंबर मिलेगा तो फिर आप बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है एक, वहाँ पे जाइए, और फिर वहाँ पे आपको एडी कोड रजिस्टर करना है। एडी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये सब देने के बाद आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा, और फिर सिस्टम पेंडिंग दिखाएगा। और ये अपने आप कुछ दिन के बाद बाई कस्टम्स अप्रूव हो जाएगा। तो एक तो ये सिस्टम पेंडिंग स्टेट में इसलिए रहता है कि ये डॉक्यूमेंट सभी जगह चेक हो जाता है बाई सिस्टम, और सिस्टम से चेक होने के बाद वो कस्टम के पास जाता है, और फिर कस्टम पे वो आपका डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर सब कुछ है तो अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।